हाल ही में कोरिया में एक काफी शॉकिंग वारदात हुई है। दरअसल यहाँ पर जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर है, 11 जून को एक टीनेजर ने ब्रिक साइज जितना बड़ा पत्थर रेलवे ट्रैक के ऊपर रख दिया। उसका मकसद ही था कि एक काफी बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन यहाँ पर रेल ट्रैफिक कंट्रोलर जो कि कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे थे स्टेशन का, तुरंत उन्होंने देख लिया कि किस तरह से वो लड़का आया, ट्रेसपासिंग करके रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया और इतना बड़ा पत्थर उसने रेलवे ट्रैक पर प्लेस कर दिया। इमीडिएटली उन्होंने फिर कंट्रोलर टावर को रिपोर्ट किया इसके बारे में और फटाफट से रॉक को रिमूव कर दिया गया। और गरिमत ये रही कि उसके एक मिनट बाद ही 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हाई स्पीड ट्रेन गुजरी। अगर फटाफट से ये एक्शन नहीं लिए जाते तो डेफिनेटली काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता जिसमें 116 पैसेंजर्स मारे जाते। खैर, इस लड़की को पकड़ लिया गया है और अब इसे भेजा गया है पूछताछ के लिए। लेकिन इससे भारत को क्या सीखने मिल सकता है? वेल, हमारे देश में भी अब बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है और इसका कुछ पोर्शन लैंड पर है, तो हमारे NHSRCL को काफी सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट भारत में भी हो सकते हैं और ये हमें ऑलरेडी इसके लिए तैयारी चाहिए। आपने देखा होगा कि अभी जो 280 पैसेंजर्स मारे गए थे ओडिशा के रेल हादसे में, उसमें डेफिनेटली कुछ तरह का टैम्परिंग किया गया है हमारे इंटरलॉकिंग सिस्टम से, जिसके चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। सो बुलेट ट्रेन के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है काफी एडवांस लेवल पर, और भारत को काफी सतर्क रहना पड़ेगा। इसी रीजन के चलते आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द कॉरिडोर हमारा पूरा एलिवेटेड ही है। वैसे आपको क्या लगता है कि बुलेट ट्रेन के अलावा हमारी नॉर्मल ट्रेन्स को भी हम और ज्यादा सेफ कैसे बना सकते हैं? अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।